गरीब लड़की की जादुई लिपस्टिक। पश्मीना नाम के गांव में सीता अपनी माँ कांता के साथ रहती थी। सीता के माता पिता रास्ते से गुजर रहे थे जब एक कार वाले ने उन्हें बुरी तरह ठोक दिया, जिस वजह से सीता के पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और सीता की माँ पीछे बैठने की वजह से रोड पर गिर जाती है और बच जाती है, लेकिन उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। अपनी माँ के हाथ में फ्रैक्चर देखकर सीता से रहा नहीं जाता और खुद ही काम करने बाहर निकल जाती है। सीता गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती ताकि वो चार पैसे कमा सके और घर चला सके, लेकिन सर्दी ज्यादा होने के कारण सीता के घर में बच्चे ट्यूशन आना बंद कर देते हैं, जिस वजह से सीता दिन पर दिन परेशान हो जाती है और एक दिन अपनी माँ से कहती है, माँ जैसे तैसे मैं चार पैसे इकट्ठे कर पाती थी, लेकिन अब तो बच्चे भी ट्यूशन आना बंद कर चुके हैं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ से पैसे लाऊँ और कैसे घर का खर्चा चलाऊँ? बेटा, तेरा चिंतित होना मुझे समझ आता है। तूने पूरा घर संभाल रखा है। जब से तेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ कर गए हैं, तब से तूने मुझे भी संभाल रखा है और मैं जानती हूँ जिम्मेदारी संभालना बहुत बड़ा काम है। माँ, जिम्मेदारी तो हर कोई संभालता है, लेकिन घर में राशन खत्म होने वाला है। मुझे सिर्फ उसकी चिंता है कि हमारे घर में थोड़े बहुत पैसे कहीं पर भी नहीं रखे कि हम थोड़ा बहुत राशन ले आए। नहीं बेटा, तू एक काम कर, जंगल से कुछ फल तोड़ ला और सब्जियाँ भी, हम वही बना लेंगे और घर में रखे चावलों के साथ खा लेंगे। बुरे वक्त में सबको गुजारा करना पड़ता है और अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए और परेशानियों का डट कर सामना करना चाहिए। सीता अपनी माँ की बात समझ जाती है और जंगलों में फल सब्जियाँ लेने चली जाती है। जंगल में पहुंचकर सीता कुछ फल सब्जियाँ तोड़ लेती है और उन्हें अपनी टोकरी में रखकर घर वापस आ रही होती है कि तभी रास्ते में उसे अचानक इतनी सुंदर लिपस्टिक पड़ी हुई मिलती है। अरे वाह, इतनी सुंदर लिपस्टिक और इतनी अच्छी भी! ऐसी लिपस्टिक खरीदने की मेरी हैसियत कहाँ है? चलो अब जल्दी से मैं इसको अपने घर ले जाती हूँ और माँ को दिखाऊंगी, माँ तो खुश हो जाएंगी। सीता वो सुंदर लिपस्टिक लेकर अपने घर पहुँचती है और अपनी माँ को उसके बारे में बताती है और तुरंत ही अपने होठों पर लगाती है और शीशे में देखकर कहती है, अरे वाह, ये लिपस्टिक मेरे ऊपर कितनी अच्छी लग रही है और मेरी लिप्स कितने सुंदर दिख रही हैं। हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि हम इतनी महंगी लिपस्टिक लेकर लगा सके। ये कहकर वो अपनी माँ के सामने डांस करने लगती है। खुशी से डांस करते करते सीता के सामने बहुत सारी वैसी ही सुंदर लिपस्टिक गिरने लगती है। इतने सारे लिपस्टिक का हम क्या करेंगे और ये लिपस्टिक कहाँ से आ रही है? अरे बेटी, अब हम इस लिपस्टिक को हम बाजार में बेचेंगे और इससे हमें पैसा मिलेगा। सीता और उसकी माँ वो सारे लिपस्टिक लेकर बाजार में पहुँचती है और इतनी सुंदर लिपस्टिक देखकर लोग उनके पास आते हैं और ढेर सारे लिपस्टिक लेकर जाते हैं। सीता की माँ उन लिपस्टिक की तारीफ जिस तरीके से करती है, उस तरीके को देखकर औरतें खींची चली आती है और बिना सोचे समझे ढेर सारे लिपस्टिक ले जाती है। देखो देखो, सुंदर लिपस्टिक शायद तुम्हारी जेब से गिर गई है, इसे उठा लो। ये किसकी लिपस्टिक है? जरा देखो, ये मेरे होठों पर लगी है। इसका रंग रूप देखकर तुमसे रहा नहीं जाएगा। इतनी अच्छी मैट लिपस्टिक आज तक तुमने देखी नहीं होगी। कांता के हाथ में फ्रैक्चर जरूर था, लेकिन उसकी जुबान और उसके ग्राहक को बुलाने का तरीका बहुत अच्छा था, जिस वजह से गांव की औरतें खींची चली आती है और ढेर सारे लिपस्टिक खरीद कर ले जाती है, जिस वजह से सीता और सीता की माँ को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है और वो ऐसे ही कई महीनों तक लिपस्टिक बेचती हैं। तभी सीता कहती है, माँ, जो लिपस्टिक मुझे जंगल में मिली थी वो जादू लिपस्टिक है, क्योंकि इतनी सारी लिपस्टिक उस एक लिपस्टिक से निकल रही है और हमें बेचकर बहुत मुनाफा भी हो रहा है। सीता और उसकी माँ मिलकर अपने घर को बहुत अच्छे से रिपेयर करती हैं और उसमें जरूरत की सारी चीज लाकर रखती हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ लिपस्टिक बेचकर दोनों माँ बेटी को बहुत मुनाफा होता है और उनके घर की रंगत बदल जाती है। लोग उनके घर की रंगत देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी एक दिन कांता की पड़ोसन दोस्त विमला आती है और कहती है, अरे वाह कांता, तेरे घर की तो रंगत ही बदल गई। गांव वाले देखकर हैरान है कि कुछ महीनों में ऐसा क्या हो गया जो तेरा घर चमकने लगा और तुम दोनों माँ बेटी भी। अरे अब बस तो देखती जा, हम माँ बेटी को, हम एक दिन अपने इस छोटे से घर को बड़ा घर बना देंगे। अच्छा, मुझे दोस्त मानती है तो मुझे भी इस राज का पता बता दे, मैं भी अमीर हो जाऊं।
अपनी दोस्त की बातों में आकर कांता उसे सब कुछ बताती है और विमला एक चालाक चतुर और लालची औरत होती है जिसे पैसे के सिवा कुछ भी नहीं सोचता। देख मैंने तुझे इस जादू लिपस्टिक का राज तो बता दिया लेकिन ये राज तू किसी के सामने मत बता दियो। जादू लिपस्टिक लगाती ही कांता बहुत सुंदर दिख रही होती है और कांता जैसे ही कहती है काश हमारे पास इतना सारा पैसा होता कि हम अपने इस छोटे से घर को बड़ा घर बना सके। कांता भी इस बात से बेखबर थी कि उसके ये कहते ही उसका छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाएगा और देखते ही देखते कांता का छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाता है और वहाँ पास में खड़ी विमला हैरान रह जाती है। तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तेरी बेटी को ये जादू लिपस्टिक मिल गई, वरना हम भी तो रोज जंगल में जाते हैं, हमें तो आज तक कोई जादू लिपस्टिक नहीं मिली। लेकिन इस जादू लिपस्टिक का हम गलत कामों में इस्तेमाल नहीं करेंगे, भगवान ने मुझे कुछ सोच समझ कर दी है। विमला बहुत तेज होती है और वह चुपके से कांता की जादू लिपस्टिक चुरा कर ले आती है और घर आकर उसे इस्तेमाल करके कहती है काश मैं अपने घर को सोने और चांदी के सिक्कों से भर सकूं, लेकिन मेरी किस्मत कहाँ ऐसी कि मेरे घर में सोना चांदी की बारिश हो। विमला चालाक औरत होने के साथ साथ लालची और खड़ूस भी थी जिस वजह से जादू लिपस्टिक उसको समझ जाती है और उसके कहते ही उसके घर में सोने और चांदी की बारिश की जगह लाठी डंडे की बारिश कर देती है। अरे बचाओ मुझे, अरे सीता कहाँ हो तुम, प्लीज मुझे मत मारो। बहुत पिटाई होने के बाद विमला उस जादू लिपस्टिक को वापस कांता के घर ले जाती है और उसे दे देती है और सारी बातें बताती है। हे जादू लिपस्टिक मुझे माफ कर दो, मुझे आपके जादू के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए था। आज विमला ने लिपस्टिक चुराई, कल को कोई और चुरा लेगा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। विमला को अपने किए पर पछतावा होता है और वो कांता से माफी मांगती है। कांता अपनी दोस्त विमला को माफ कर देती है और दूसरी तरफ सीता और कांता अपनी जिंदगी हंसी खुशी जीने लगते हैं क्योंकि अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होती हैं। जादुई यूनिकॉर्न ड्रेस। यूपी के छोटे से गांव में पूजा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। पूजा बचपन से ही बहुत सुंदर थी। पूजा के सुंदर घने काले बाल उसकी सुंदरता पर चार चांद लगाते थे। पूजा ने बहुत सारे फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था और उसमें वो जीतती भी थी। पूजा के बाल बहुत अच्छे थे जिस वजह से पूरा गांव उसे उसके बालों की वजह से जानता था। पूजा गरीब घर से थी लेकिन उसके सुंदर बाल और सुंदरता देखकर बड़े बड़े फैशन शो उसे इनवाइट किया करते थे और उसमें वो जीत कर आया करती थी, जिस वजह से पूजा के गरीब माता पिता भी उसे फैशन शो में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते थे। एक दिन की बात है जब पूजा के गांव में फैशन शो की अनाउंसमेंट होती है। उस अनाउंसमेंट में बताते हैं कि यूपी में पहली बार ऐसा फैशन शो होने वाला है जहां सभी स्टेट्स की अच्छी अच्छी मॉडल्स आने वाली होती है। ये सुनकर पूजा भी बहुत खुश होती है क्योंकि यूपी के पूरे गांव में पूजा की सुंदरता के बराबर कोई नहीं था, जिस वजह से पूजा उस फैशन शो में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करती है। फैशन शो में पूरे दो दिन बाकी होते हैं। पूजा बाकी कंटेस्टेंट की तरह अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है और दो दिन बाद सभी कंटेस्टेंट यूपी में पहुंचते हैं और फैशन शो स्टार्ट होने से एक घंटे पहले पूजा भी वहां पहुंच जाती है। अलग अलग स्टेज होती हैं, सभी कंटेस्टेंट उसमें अपना बेस्ट देते हैं और जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंटेस्टेंट कम होते रहते हैं। थर्ड स्टेज पर चार ही कंटेस्टेंट रह जाते हैं। पूजा उन सब में से एक थी जो लास्ट स्टेज तक उन चारों कंटेस्टेंट के साथ पहुंचती है। सभी कंटेस्टेंट को पता था कि पूजा इसी गांव से है और सभी कंटेस्टेंट उससे जलने लगते हैं। पूजा हर स्टेज पर पहले नंबर पर थी और वो उसके पीछे यानी दूसरे नंबर की कंटेस्टेंट सौम्या मुंबई जैसे अच्छे शहर से आई होती है जो पूजा से जलने लगती है। अगर ये पूजा मेरे साथ रही तो ये जीत जाएगी और मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ। मुंबई की रानी कहलाती हूँ मैं, हमेशा पहले नंबर पर जीतती हूँ मैं, उसको आगे नहीं बढ़ने दूंगी। अगली सुबह लास्ट स्टेज होती है। पूजा सौम्या काव्या और गुड़िया अपने लास्ट और इम्पोर्टेंट दिन पर बहुत अच्छा दिखना चाहती थी जिस वजह से सभी अपने अपने रूम में तैयार हो रहे होते हैं। सौम्या बहुत चालाक लड़की होती है जो सभी को तैयार होता हुआ देखकर चुपचाप दबे पैरों से पूजा के कमरे में जाती है। और बताओ पूजा कैसा लग रहा है इस स्टेज तक पहुंचकर?
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ज्यादातर जीतती ही हूँ और मुझे यकीन है मेरी मेहनत और लगन मुझे इस बार भी जिताएगी। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए इंसान को, क्योंकि मैं भी हर बार जीतती आ रही हूँ। क्या पता इस बार मैं ही जीत जाऊंगी और जीतूंगी, इसमें कोई शक नहीं। भला वो कैसे? इतना कहते ही सोमिया पास में रखी पूजा की ड्रेस पर जूस गिरा देती है और हंसते हुए कहती है ऐसे शायद तुम्हें पता नहीं कि सोमिया कभी हारती नहीं है, फिर चाहे मैं कैसे भी जीतूं। तुम भी याद रखोगी कि किसी सोमिया से पाला पड़ा था तुम्हारा। सोमिया की इस हरकत से पूजा की ड्रेस खराब हो जाती है। इवेंट शुरू होने में कुछ टाइम बचा होता है, सभी तैयार होते हैं और अगर कोई लेट होता है तो वो पूजा, और सबसे पहले पूजा को ही वॉक करनी थी। सभी लड़की पूजा की अब्सेंस में बातें बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ पूजा रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है और पूजा को रोता हुआ देखकर परी पूजा के कमरे में आती है और कहती है, पूजा मैं सब जानती हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम जरूर पार्टिसिपेट करोगी, ये लो तुम्हारा यूनिकॉर्न ड्रेस। लेकिन आप हो कौन और मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं, लेकिन मैं जादुई परी हूं और जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूं, और आज तुम्हारी मदद करने यहां आई हूं। पूजा वो ड्रेस पहन लेती है और इवेंट में अपनी ड्रेस में वॉक करके चार चांद लगा देती है। उसकी ड्रेस और वो बहुत यूनिक दिख रहे थे। यूनिकॉर्न ड्रेस में पूजा अकेली इतनी प्यारी लग रही थी और उसके बाल भी परी सुनहरे बना देती है, जिस वजह से पूजा फैशन शो जीत जाती है। वहीं पास में खड़ी सोमिया चलकर अपनी किस्मत को कोसती है और अपनी गलती मानकर पूजा से भी माफी मांगती है, और इस तरह पूजा शो जीतकर अपने माता पिता को घर पहुंचकर शो से जीते हुए पैसे देती है और दिल से परी का धन्यवाद करती है। पूजा और उसकी फैमिली बहुत खुश होती है और पूजा की लगन मेहनत उसे जिता देती है, और यूनिकॉर्न ड्रेस पूजा घर में संभाल कर रखने जाती है। तभी यूनिकॉर्न ड्रेस कहती है, तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगी पूजा। अरे तुम बोलती हो, मैंने पहली बार बोलती हुई ड्रेस देखी है, तो चलो इसी खुशी में मुझे बहुत सारे पकोड़े खाने को दे दो। पूजा उससे जैसी ही कहती है, उसके सामने गर्मा गर्म पकोड़े आ जाते हैं। इस तरह पूजा को जो चाहिए होता पूजा यूनिकॉर्न ड्रेस से मांग कर पूरा कर लेती और अपने घर को भी बड़ा घर बनवा लेती, और इस तरह पूजा और उसके माता पिता हंसी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। बहुत समय पहले की बात है, रसूलपुर नामक गांव में दो बहनें रहा करती थी। सीता और गीता दोनों बहुत समझदार थी। सीता हमेशा अपनी छोटी बहन गीता को पढ़ाया करती थी और उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती थी। सीता और गीता के माता पिता बहुत गरीब थे। दोनों मजदूरी करके जैसे तैसे अपना घर खर्च चलाते थे। सीता की माँ घरों में काम करती थी और सीता के पापा मजदूरी का काम किया करते थे। उसे जो भी कमाया करते उसी में अपना गुजारा किया करते थे। सीता एक बहुत काबिल लड़की थी। वो हमेशा स्कूल में टॉप किया करती थी और बहुत ही साधारण तरीके से रहा करती थी। लेकिन वही दूसरी तरफ गीता समझदार होने के साथ साथ अपनी क्लास में टॉप किया करती थी, लेकिन उसके बहुत सारे शौक थे, जैसे कि उसे तैयार होना पसंद था, घूमना पसंद था, जंक फूड खाना पसंद था। ऐसे ही एक दिन उनके कॉलेज में चिल्ड्रंस डे से एक दिन पहले सभी बच्चों को नोटिस मिलता है कि वो अपने अपने घर से स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लेकर आएंगे और स्कूल में उसे बेचेंगे। ये पढ़कर गीता बहुत खुश होती है और स्कूल की छुट्टी के बाद गीता अपनी बहन से रास्ते में चलते चलते कहती है, दीदी आपने सुना है स्कूल में सभी बच्चे अपने अपने घर से स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लेकर आएंगे और उन्हें स्कूल में आकर बेचेंगे, क्योंकि कल चिल्ड्रंस डे है, बहुत मजा आएगा। देखो गीता, मुझे तो अपनी पढ़ाई ही पसंद है, ये सब तुम एंजॉय करो क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो। क्या बनाकर लेकर जाऊं दीदी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा।
माता पिता हमारे लिए मुश्किल से तो खाना लेकर आ पाते हैं, और शायद ही हमारे घर में आज राशन रखा होगा। चलो घर चलकर देखते हैं, जो भी रखा होगा उसके हिसाब से हम कुछ बना लेंगे। दोनों बहनें बातें करते करते घर पहुंच जाती है। उसके बाद गीता खुशी से रसोई में जाती है, सीता भी रसोई में आ जाती है। दोनों बहनें राशन देख रही होती है, लेकिन घर में सिर्फ दालों के अलावा कुछ भी नहीं रखा होता है। तभी सीता कहती है, तुमने मुंह क्यों बना लिया, तुम्हें तो पता ही है ना इन दालों से बहुत कुछ बन सकता है। चलो मैं तुम्हें बहुत अच्छी रेसिपी बताती हूँ। लेकिन बच्चे दाल पसंद नहीं करते दीदी। बच्चे दही बड़े खाना बहुत पसंद करते हैं, और मुझे बहुत अच्छे दही बड़े बनाने आते हैं। तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें सुबह सुबह सब कुछ तैयार करके दे दूंगी। अभी मैं जल्दी से दाल भिगो कर रख देती हूँ, और बाकी चटनियाँ बनाकर भी तैयार कर लेती हूँ। इस तरह सीता दही बड़े बनाने की सोच लेती है और सारा सामान तैयार कर लेती है। और अगले दिन सुबह होती है, सीता अपनी बहन के लिए सारा सामान तैयार करके पैक कर देती है, और दोनों बहनें इकट्ठे स्कूल चली जाती है। वहाँ जाकर गीता सभी बच्चों को देखती है, तो सभी बच्चे बहुत सुंदर सुंदर और अच्छे दिखने वाले व्यंजन लेकर आते हैं। लेकिन वो अपने लाए हुए दही बड़ों से खुश नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपना स्टॉल लगाती है। सभी के स्टॉल पर जंक फूड था, बहुत कम बच्चे हेल्दी खाना बनाकर लाए थे। लेकिन जैसे ही गीता अपने स्टॉल को तैयार करती है, वहाँ खड़ी टीचर और बच्चे उसके दही बड़े देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, सभी के स्टॉल पर जंक फूड लगा है, लेकिन तुम्हारे स्टॉल पर इतना अच्छा और हेल्दी खाना लगा है, मैं तो तुम्हारे हिसाब से ही खाऊंगी। बताओ इसका प्राइस क्या है? स्वादिष्ट और हेल्दी व्यंजन सिर्फ 50 रुपए प्लेट। आइए मैडम, आपके लिए तो मैं मुफ्त में बना दूंगी। गीता की टीचर गीता की हेल्दी व्यंजन को खाकर बहुत खुश होती है। इसके बाद सभी एक एक करके गीता के स्टॉल पर आ जाते हैं, और ज्यादातर लोग गीता के स्टॉल पर ही दिखते हैं। ये सब देखकर पास में खड़ी लड़की अंजलि बहुत जलती है, और वो उसके स्टॉल के पास जाने का मौका ढूंढती है। और जैसे ही गीता अपने प्रिंसिपल को दही बड़े देने जाती है, तभी अंजलि उसकी चटनी में ढेर सारा नमक मिला देती है। थोड़ी देर बाद गीता अपने प्रिंसिपल को दही बड़े खिलाकर आती है, और प्रिंसिपल उससे बहुत खुश होती है। और अंजलि की हरकतों से बेखबर गीता फिर से दही बड़े बेचने लगती है। तभी बच्चे खूब मजे से दही बड़े के निवाले खा रहे होते हैं, और फिर सब बच्चे एक साथ निवाले मुंह से थूक देते हैं। तुमने एक घटिया सा क्या बना कर रखा है, इसमें तो बहुत सारा नमक है, हमारा तो मुंह ही खराब हो गया। पता नहीं लोगों ने क्या देख कर ये दही बड़ा खाया है, इसमें इतना सारा नमक है। मुझे लगता है तुम आँखों से अंधी हो गई हो, जो इसमें इतना सारा नमक मिला दी हो, पागल लड़की कहीं की। बच्चों की ये सारी बातें सुनकर गीता घबरा जाती है, और अपने दही बड़े चेक करती है, फिर उसे भी नमक बहुत सारा लगता है। उसके बाद वो उन सब से माफी मांगती है, लेकिन उसके स्टॉल का सब बर्बाद हो जाता है, और दही बड़े रखे के रखे रह जाते हैं। जितनी बिक्री उसने सुबह की थी, उसके पूरे पैसे उसको सिर्फ 1000 रुपए ही मिलते हैं, जिसके बाद वो रोती हुई घर चली जाती है। घर जाते जाते रास्ते में उसे एक लाल परी मिलती है, और वो उसे रोक कर कहती है, तुम रोते हुए क्यों जा रही हो, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकाल दूंगी। मैंने सभी के लिए दही बड़े बनाए थे, ताकि मैं अपने माता पिता की मदद कर सकूं और 4 पैसे कमा सकूं, लेकिन मेरे दही बड़े सिर्फ सुबह सुबह अच्छे से बिके थे, जिसके मैंने 1000 रुपए कमा लिए। उसके बाद पता नहीं किसने मेरे दही बड़ों में इतना सारा नमक मिला दिया। इसके बाद सबने मेरे दही बड़े थूक दिए, और मुझे कुछ नहीं मिला, और मैं सिर्फ 1000 रुपए ही कमा पाई हूँ। अब मैं अपने माता पिता की मदद कैसे करूँगी, वो बहुत गरीब है, घर में राशन भी खत्म हो गया है, क्योंकि मैंने सारी दालें दही बड़े में लगा दी, अब मैं क्या करूँ। तुम चिंता मत करो, तुमने अपने हिसाब से सब कुछ अच्छा किया है, ये जरूर किसी की चाल है,
अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें जादुई हेयर बैंड देती हूँ। इसे लगाकर तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच में जादुई हेयर बैंड जैसी भी कोई चीज होती है क्या? मुझे तो आज तक नहीं पता था, लेकिन अगर आप कहती हो तो मैं चेक करूंगी। लाल परी की बातें सुनकर गीता बहुत खुश होती है और अपने घर पर भागी भागी जाती है। अपने कमरे में खड़े होकर गीता वो जादुई हेयर बैंड और उससे अपने मन की इच्छा कहती है। जादुई हेयर बैंड, मेरे इस छोटे से घर को एक बड़े घर में बदल दो, जिसमें सारी खाने की चीजें हो, पहनने के लिए कपड़े हो और मेरे लिए ढेर सारे मेकअप किट हो। गीता के इतना कहते ही जादुई हेयर बैंड के आसपास एक दिव्य रोशनी होने लगती है और उसकी कही हुई बातें सच हो जाती है। उसका एक छोटा सा घर बड़े घर में बदल जाता है, जिसमें उसकी इच्छा के हिसाब से सारा सामान होता है। अपने बड़े से घर को देखकर गीता बहुत खुश होती है और ये सब देख रहे उसके माता पिता बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी गीता उन्हें जाकर सब कुछ बताती है और फिर उसके बाद उसके माता पिता लाल परी का धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद गीता अपने जादुई हेयर बैंड की मदद से अपने हर काम को आसान कर लेती है और अपनी इच्छा को पूरा कर लेती है। साथ ही साथ वो गरीब लोगों की मदद करती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग उनसे बहुत खुश होते हैं और उनके घर में आने जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गीता के माता पिता मजदूरी का काम छोड़ देते हैं और उसकी माँ घरों में काम करना भी छोड़ देती है। उनके पास रहने के लिए बहुत अच्छा घर हो जाता है, जिसमें जरूरत की सारी चीजें होती है और सभी इस प्रकार हंसी खुशी रहने लगते हैं। गरीब माँ की 5 बेटियों की शादी। सुरमिला एक गरीब औरत थी। वो दर्जी का काम करके अपना गुजारा किया करती थी। सुरमिला की 5 बेटियाँ थी, मीना, गीता, कंचन, आरती और लक्ष्मी। सुरमिला अपनी 5 बेटियों के साथ एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। सुरमिला के पति की किसी हादसे में मृत्यु हो गई थी। पति के जाने के बाद सुरमिला के ऊपर उनकी 5 बेटियों की जिम्मेदारी थी। सुरमिला अपनी 5 बेटियों की परवरिश के लिए दिन रात मेहनत करके कपड़े सिला करती थी। रात के 2 बजे सुरमिला अपने घर में सिलाई कर रही थी और वो सोचती है, कल बाजार से अपनी 5 बेटियों के लिए कपड़े खरीद कर लाऊंगी, उनके सारे कपड़े फट गए हैं। सुरमिला ऐसा सोचकर पूरी रात सिलाई करती है। फिर अगले दिन वह सिले हुए कपड़े कस्टमर के घर लेकर जाती है और उनके पैसे लेकर अपनी 5 बेटियों के लिए सूट सिलने के लिए कपड़े लेकर आती है और फिर खुद ही अपने हाथों से सिलकर अपनी 5 बेटियों के लिए सूट तैयार करती है और अपनी बेटियों को देते हुए कहती है, ये लो, तुम 5 बहनों के पास अच्छे कपड़े नहीं थे ना, इसलिए दिन रात मेहनत करके मैंने कुछ पैसे कमाए थे जिससे कि मैं तुम 5 के लिए सूट सिल सकूं। सुरमिला की 5 बेटियों की आंखों में आंसू आ जाता है और वो अपनी माँ को गले से लगा लेती है और कहती है, माँ, आप हम 5 बहनों की खुशी के लिए कितना कुछ करती हैं। अगर आप न होती तो पता नहीं हम 5 बहनों का क्या होता। पिताजी के मृत्यु के बाद आपने अकेले ही हम 5 बहनों को संभाला है। माँ, ऊपर बैठे पिताजी आपकी ये मेहनत देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। माँ, आपको पता है आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। माँ, आपको हम 5 बहनों के लिए नए कपड़े लाने की क्या जरूरत थी। आपने जो इन कपड़ों में पैसे खर्च किए, उन पैसों से घर का सामान आ जाता तो अच्छा होता। बेटी, मैं जितना कमाती हूँ वो सारे पैसे घर में ही तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं और पैसे कमाकर घर के सामान भी भर दूंगी। अब तुम 5 बहने जल्दी से जाकर ये सूट पहनकर तैयार हो जाओ। पंडित जी, तुम 5 बहनों के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। सुरमिला के कहने पर उनकी 5 बेटियां तैयार होने के लिए चली जाती है, जिसके बाद पंडित जी कैलाश नाम के एक आदमी को सुरमिला के घर लेकर आते हैं।
आइए भाई साहब, यही रहती है वो गरीब औरत जिसकी 5 बेटियां हैं और वो कपड़े सिलकर अपनी बेटियों की जरूरत को पूरा किया करती है। बहुत ही मेहनती औरत है बेचारी और उसकी 5 बेटियां बहुत ही सुंदर और संस्कारी है। एक बार आप उनकी बेटियों को देखोगे तो आप अपने 5 बेटों के लिए उनको पसंद कर लोगे। ऐसा बोलकर पंडित कैलाश को घर के अंदर ले आता है। अंदर जाकर कैलाश उर्मिला से मिलता है और उनकी गरीबी को देखकर कैलाश सुरमिला से कहता है, अरे बहन जी, पंडित जी ने जैसा बताया था बिल्कुल आपकी बेटियां वैसे ही सुंदर और संस्कारी हैं। मुझे अपने 5 बेटों के लिए ऐसे ही सुंदर और संस्कारी लड़कियां चाहिए थी। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे यह रिश्ता मंजूर है। और हाँ, आपको दहेज देने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप खुशी खुशी अपनी 5 बेटियों को एक शादी के जोड़े में विदा कर दीजिएगा और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर सुरमिला बहुत खुश होती है और कैलाश के आगे हाथ जोड़कर खुशी से रोने लगती है और कहती है, भाई साहब, आप तो बहुत नेक दिल के इंसान हो। आप हमारी 5 बेटियों को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दिए। आप शादी की तैयारी कीजिए, मैं जल्द से जल्द अपनी 5 बेटियों को आपके घर बहू के रूप में भेजना चाहती हूँ ताकि उसकी सारी परेशानियाँ जल्दी ही दूर हो जाए और मेरी 5 बेटियां खुशी खुशी रहे। रिश्ते की बात पक्की होने के बाद दोनों परिवारों के बीच धीरे धीरे रस्में शुरू हो जाती है, लेकिन सुरमिला दिन रात सोचती रहती है क्योंकि उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी 5 बेटियों के लिए शादी का जोड़ा खरीद सके। वो दिन रात कपड़े सिलकर कुछ पैसे जोड़ती है और उन पैसों को लेकर अपनी 5 बेटियों के लिए शादी का जोड़ा खरीदने जाती है। सुरमिला लहंगे की दुकान में जाती है और अपनी 5 बेटियों के लिए लहंगे पसंद करती है। अरे, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगे हैं। इतने सुंदर लहंगा पहनकर मेरी 5 बेटियां तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखेगी। अरे भैया जी, कितने के हैं ये 5 लहंगे? सुरमिला के पूछने पर दुकानदार उनसे कहता है, अरे बहन जी, जो आपने लहंगा पसंद किया है वो कोई मामूली लहंगा नहीं, ये 5 लहंगे बहुत ही महंगे हैं और दुकान की सबसे फेमस डिजाइनर का लहंगा है। एक लहंगे की कीमत 20,000 पड़ेगी, यानी 5 लहंगा आपको 1,00,000 का पड़ेगा। इतने पैसे की बात सुनकर सुरमिला की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो दुकानदार से कहती है, अरे भैया जी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतने महंगे लहंगे, हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम लोगों की औकात भी नहीं है कि तुम इतने महंगा लहंगा खरीद सको, इसलिए जिधर से आई हो उधर ही चली जाओ। पता नहीं चलते फिरते फकीर इतने बड़े दुकान पर कहाँ से आ जाते हैं। और हाँ, अगली बार अपनी औकात देखकर किसी दुकान पर जाना। दुकान वाले के इस तरह कहने पर सुरमिला को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती है और शर्मिंदा होकर घर वापस आ जाती है। रात में सिलाई करते हुए सुरमिला रोने लगती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, 2 दिनों बाद ही मेरी बेटियों की शादी है और उनके पहनने के लिए मेरे पास लहंगे तक नहीं है। मैं कितनी गरीब और अभागिन माँ हूँ, अब मैं क्या करूं? क्या पहनेगी मेरी बेटियों अपनी शादी में? सुरमिला रोते हुए सिलाई कर ही रही होती है कि तभी सिलाई करते हुए उसे एक ख्याल आता है। इतने महंगे लहंगे तो मैं कभी खरीद नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं तो खुद एक दर्जी हूँ तो मुझे लहंगे खरीदने की जरूरत क्या है? मैं अपनी 5 बेटियों के लिए खुद से लहंगा सिलूंगी। सुरमिला के पास जो भी पैसे थे उनसे वो कपड़ा और कुछ सामान खरीद कर ले आती है। उसके बाद वो सिलाई मशीन पर बैठकर अपनी 5 बेटियों के लिए लहंगा सिलना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो बहुत सुंदर लहंगा तैयार कर देती है, जिसे देखकर उसकी 5 बेटियां कहती हैं, अरे वाह माँ, आपने कितना सुंदर लहंगा सिलकर तैयार किया है। माँ, आप इतने सुंदर और महंगे लहंगे कहाँ से खरीद कर लाई हो? माँ, ये लहंगे तो बहुत महंगे होंगे ना? अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बेटियों, इन लहंगों को मैं कोई दुकान से नहीं खरीदी हूँ, बल्कि मैंने इन 5 लहंगों को खुद से सिला है, खुद सिलकर तैयार किया है अपनी 5 बेटियों के लिए। सुरमिला के मुंह से ये बातें सुनकर उनकी 5 बेटियां हैरान रह जाती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आप इतने सुंदर लहंगे बना सकती हो? हमें तो ये पता ही नहीं था, अगर आप इतनी सुंदर लहंगे बना सकती हो
तो आप इन्हें अच्छी कीमतों पर बेच भी सकती हो। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा दीदी ने। आप क्यों नहीं लहंगा सिलकर बेचने का काम शुरू कर दो? माँ, आप अपने लहंगों की कीमत इतना रखना कि एक गरीब इंसान भी अपनी बेटी की शादी के लिए लहंगा खरीद सके। अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है। फिलहाल तो मुझे तुम पांचों बहनों की शादी की तैयारियां करनी है। ऐसा बोलकर सुरमिला अपनी पांचों बेटियों की शादियों की तैयारियों में लग जाती है। दो दिनों बाद कैलाश अपने पांचों बेटों के साथ धूमधाम से बारात लेकर सुरमिला के घर आता है। इधर सुरमिला अपनी पांचों बेटियों को अपने हाथों से सिले हुए लहंगा पहनाकर मंडप में बिठा देती है। देखते ही देखते सुरमिला की पांचों बेटियों की शादी कैलाश के पांचों बेटों से हो जाती है। उसके बाद सुरमिला खुशी खुशी अपने पांचों बेटियों को उनके ससुराल विदा कर देती है। उसके बाद सुरमिला सिलाई मशीन पर लहंगा सिलना शुरू कर देती है और उन्हें बाजार में बेचती है, जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। और वो सोचती है, खुद के डिजाइन किए हुए लहंगे तो अच्छी कीमतों में बिक रहे हैं, इतना पैसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कमाया होगा। जादुई केक का घर। बहुत दूर झील के पास मायानगर नाम का छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के बगल में ही एक बहुत ही घना जंगल था और जंगल में एक बहुत विशाल केक का घर था, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। उस जादुई केक घर के अंदर बहुत सारा खजाना मौजूद था, लेकिन जो भी लालची इंसान उस खजाने को हासिल करने जाता वो अंदर ही जलकर भस्म हो जाता था। उसी मायानगर गांव में एक रिया नाम की लड़की रहती थी, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। वो इस दुनिया में अब बिल्कुल अकेले थी। रिया गांव में घूम घूम कर लोगों से भीख मांगा करती थी। मुझे बहुत भूख लगी है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान आपका भला करेगा, कुछ दे दो बाबू साहब। रिया की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक कमला नाम की औरत निकलती है और गुस्से में कहती है, ए लड़की, तुझे शर्म नहीं आती क्या? रोज रोज भीख मांगने आ जाती है, चल भाग यहाँ से, नहीं मिलेगा तुझे कोई खाना वाना, मैं तुझे कुछ नहीं देने वाली, समझी? इस तरह कमला रिया को डांट कर भगा देती है। सारा दिन भीख मांगने के बाद भी रिया को पेट भर खाना नहीं मिलता था। दूसरी तरफ रिया गांव वालों से कुछ काम भी मांगती तो वो उसे कोई काम भी नहीं देते। इस वजह से रिया के पास ना पेट भर खाना होता था और ना ही पैसे। रिया बहुत ही ज्यादा गरीबी में अपने दिन व्यतीत कर रही थी। एक बार रिया को 6 दिनों तक गांव वालों ने खाना नहीं दिया। 6 दिन तक कुछ ना खाने की वजह से रिया को बहुत भूख लगी थी। उसे भूख बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हे भगवान, मैंने 6 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, ये गांव वाले मुझे ना तो काम देते हैं और ना ही खाना, अब मैं करूँ तो क्या करूँ भगवान? अगर मेरे माँ बाबा होते तो मुझे ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, पर आपने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। तभी उस दिन कमला के घर में मेहमान आते हैं। मेहमान आने की खुशी में कमला मेहमानों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाती है, जिसकी खुशबू रिया तक पहुंच जाती है। लगता है कमला आंटी के घर में कुछ स्वादिष्ट बना है, लेकिन अगर मैंने उनसे खाना मांगा तो वो मुझे नहीं देगी और मुझे और उल्टा डांट कर भगा देगी, पर मैं क्या करूं? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख से बेचैन रिया खिड़की से कूदकर कमला के घर के अंदर जाती है, फिर चुपके से कमला की रसोई में जाकर खाना चुरा कर खाने लगती है। लेकिन तभी कमला रिया को खाना चुराते हुए देख लेती है। ए लड़की, तू हमारे घर में घुसकर खाना चुरा रही है, मारो इसे। कमला की आवाज़ सुनकर उसका पति एक बड़ी सी लाठी लेकर वहाँ पहुँचता है और रिया की पिटाई करने लगता है। ऐसे ही सारे गांव वाले मिलकर रिया को लाठी से पीटने लगते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत दिनों से भूखी थी, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने खाना चोरी की, मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए। नहीं, हम तुझे बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, तूने मेरे घर में चोरी की है, आज खाना चुराई है, कल को गहने चुरा ले, क्या पता तेरा।
इतना कहकर कमला गांव वालों को और उत्साहने लगती है कि इसको मारे। सभी गांव वाले मिलकर रिया को खूब मारते हैं। रिया भागते भागते जंगल की तरफ आ जाती है। गांव वाले उसका पीछा करते हैं। तभी उसे जंगल में जादुई केक का घर दिखता है। फिर रिया तुरंत दरवाजा खोलकर घर के अंदर चली जाती है। गांव वाले जंगल आकर देखते हैं तो उसे रिया कहीं नहीं दिखती, तो गांव वाले वापस लौट जाते हैं। केक के घर के अंदर जाते ही रिया को ढेर सारे सोने के सिक्के और जेवरात दिखाई देते हैं। ये देख रिया बहुत खुश होती है। अरे बाप रे, ये घर तो खजानों से भरा हुआ है। तभी उस घर से आवाज आती है, बच्ची मुझे तुम्हारे बारे में सारी बात पता है। गांव वालों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अब तुम चिंता मत करो। आज से तुम इसी घर में रहोगी। अब ये घर तुम्हारा है। ये घर तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा और तुम इस केक घर को उड़ाकर कहीं भी ले जा सकती हो। ये सुनकर रिया बहुत खुश होती है। अच्छा, मतलब ये केक का घर जादुई है। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे अभी के अभी हवा में उड़ाकर मेरे गाँव ले चलो। रिया के इतना कहते ही वो जादुई केक का घर हवा में उड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में रिया के गांव पहुंच जाता है। फिर अगले दिन रिया और जादुई केक के घर से अपने जरूरत की सारी चीज मांग लेती है। फिर रिया बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाती है। दूसरी तरफ रिया के पास अचानक इतना सारा पैसा और जादुई केक का घर देखकर पूरे गाँव वालों को बहुत हैरानी होती है। लेकिन रिया बहुत ही ज्यादा दयालु लड़की थी। वो हर रोज गांव के गरीब लोगों की मदद किया करती थी। कभी उन्हें पैसे देकर, तो कभी खाना देकर, तो कभी कपड़े देकर। गरीब लोग इन सब चीजों के बदले में रिया को बहुत सारी दुआएं दिया करते थे। इसी तरह रिया गांव में सबकी फेवरेट बन चुकी थी। जब ये बात कमला को पता चलती है तो वो फौरन पूरी बात का पता लगाने जादुई केक के घर को देखने पहुंच जाती है। रिया को इतना अमीर देख कमला को बहुत जलन होती है और वो सोचती है, अरे ये भिखारिन रिया अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गई? अच्छा, ये जादुई केक के घर के कारण हो रहा है, लेकिन मैं भी शांति से बैठने वाली में से कहा हूँ। मैं इस रिया की बच्ची को ही मार दूंगी, फिर इसे मारकर ये जादुई केक के घर को हथिया लूंगी और इस गांव के सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। इतना सोचकर कमला आधी रात को अपने पति के साथ एक चाकू लेकर रिया को मारने जादुई केक के घर के अंदर पहुंच जाती है। बेचारी रिया आराम से बेड पर सो रही थी। यही अच्छा मौका है, चलो इस रिया की बच्ची को जान से ही मार देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी रिया को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर लाठी प्रकट हो जाती है। फिर वो लाठी कमला और उसके पति की खूब पिटाई करने लगते हैं। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, कोई मुझे बचाओ, इस लाठी ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। हे भगवान, कोई बचाओ मुझे। तभी उस केक के घर से आवाज आती है, तुम दोनों पति पत्नी बहुत बेकार इंसान हो। तुमने बेचारी रिया के साथ बहुत बुरा किया। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम यहाँ रिया की जान लेने आई थी ना, यहाँ आकर तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम दोनों की जान जाएगी और तुम्हारी जान कोई और नहीं, मैं ही लूंगी। तुमने बहुत सताया है बेचारी बच्ची को, अब तुम्हें इन सब की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। जादुई केक के घर की ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं, लेकिन जादुई केक का घर उन्हें बिल्कुल माफ नहीं करता और वही चाकू जो वो रिया को मारने के लिए लाए थे उसे से उनकी हत्या कर देते हैं और उन्हें जलाकर भस्म कर देते हैं। फिर अचानक से रिया की आँख खुलती है। रिया जादुई केक के घर से कहती है, अरे अभी यहाँ पर कुछ हुआ था क्या? नहीं रिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, लगता है शायद मैं सपना देखी होंगी। जादुई केक के घर की बात सुनकर रिया चैन की नींद सो जाती है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और रिया अपनी जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है और साथ ही अपने साथ साथ गांव वालों की भी खूब मदद करती है और इस तरह पूरे गांव की चहेती बन जाती है।
रानी परी की नन्ही राजकुमारी परी। एक बार की बात है, एक कोमल नाम की बहुत खूबसूरत नन्ही परी थी जो आज तक पृथ्वी लोक नहीं आई थी, ना ही उसने कभी धरती का नजारा देखा था। जहाँ पर हर कोई खुश रहता था वहाँ पर कोई भी दुखी नहीं था, और सभी लोग कोमल परी से बहुत प्यार करते थे, और वो भी सबकी बहुत इज्जत करती थी और सबसे प्यार से बातें किया करती थी। एक दिन नन्ही परी का धरती पर घूमने का बहुत मन करता है। रानी परी से इजाजत लेने के लिए वो रानी परी के महल जाती है और कहती है, रानी परी, मैं आपसे यहाँ पर आज्ञा लेने आई हूँ। मैं काफी दिनों से धरती पर जाने की सोच रही हूँ। अगर आप मुझे आज्ञा दे दे तो मैं एक बार धरती पर जाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कोमल परी, हम तुम्हारे विचारों से बहुत खुश हुए। अब तुमने बहुत कुछ सीख भी लिया है तो तुम धरती पर जा सकती हो। रानी परी से आज्ञा लेने के बाद कोमल परी दुनिया का दौरा करने का फैसला करती है और वो धरती पर उड़ते उड़ते पहुंच जाती है। धरती पर पहुंचकर कोमल परी देखती है कि वहां पर तो बहुत ही सुंदर सुंदर शहर है, जहां पर ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई है और वहां पर बहुत ही ज्यादा तकनीकी फैली हुई है। ये सब देखकर कोमल परी बहुत खुश होती है। अब कोमल परी धरती को और अच्छे से देखना चाहती थी। जैसे जैसे वो धरती पर इंसानों की खोजबीन करती है, तब उसे एहसास होता है कि धरती पर सभी लोग अपने काम काज में व्यस्त रहते हैं और वो अपने काम से कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। वो हमेशा अपनी जरूरत से ज्यादा चाहते हैं। ये देखकर कोमल परी थोड़ी उदास हो जाती है। यहाँ धरती पर कितने सारे अद्भुत चीजें हैं, परंतु फिर भी मानव अपने चीजों से प्रसन्न नहीं हुआ है। वो हमेशा अपनी इच्छा से ज्यादा चाहता है। ऐसा ही चलता रहा तो लोग हमेशा दुखी रहेंगे। छोटी छोटी खुशियाँ कभी अच्छी नहीं लगेंगी उन्हें। आसमान में उड़ते उड़ते परी एक गांव में पहुंच जाती है। गांव की हवा बहुत ही ज्यादा शुद्ध थी और वहां पर परी को सभी लोग खुश नजर आ रहे थे। परी जैसे ही उड़ते उड़ते सड़क के किनारे पहुंच जाती है, वहीं एक गांव में उसे एक छोटी सी लड़की रोते हुए नजर आती है। परी उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ तुम्हें बच्चे, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? यहाँ गांव में तो सभी लोग इतने खुश हैं। मुझे बताओ, तुम्हें अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरे पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे माता पिता मजदूरी करने गए हैं और मेरे साथ कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। छोटी बच्ची की बात सुनकर कोमल परी को समझ आ जाता है कि उसके पास खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं है। ये देखकर परी को छोटी बच्ची के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ जाता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। कोमल परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस छोटी बच्ची के सामने ढेर सारे सुंदर सुंदर खिलौने प्रकट कर देती है। खिलौने देखकर छोटी बच्ची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो सारे खिलौने लेने के बाद छोटी बच्ची परी को धन्यवाद दे देती है। परी को बच्ची की मदद करके बहुत अच्छा लगता है। जब कोमल परी वहाँ पर छोटी बच्ची की मदद कर रही होती है तो ये सब रानी परी देख रही होती है। कोमल परी का दयालु स्वभाव देखकर रानी परी को बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चे को खुश देखकर कोमल परी को बहुत अच्छा लगता है। तभी कोमल परी को ये एहसास होता है कि वो पृथ्वी लोक पर लोगों को खुश कर सकती है और अपने जादू का इस्तेमाल कर सकती है। उसके बाद से कोमल परी इंसानों की दुनिया में रहने लगती है और वो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। वो अपनी जादू का इस्तेमाल करती है और गरीब लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मुसीबत में मदद करती है। जब भी कोमल परी को कहीं भी उदासी दिखती तो वो वहाँ पर प्यार फैलाने की कोशिश करती, और इस प्रकार नन्ही कोमल परी हमेशा के लिए पृथ्वी लोक पर ही रहने लगती है। और उसके इस फैसले से रानी परी भी बहुत खुश होती है। दूर किसी गांव में प्रतिज्ञा अपनी छोटी बहन कृतिका के साथ रहती थी। अपने माता पिता के जाने के बाद दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। प्रतिज्ञा अपनी छोटी बहन कृतिका को माँ जितना प्यार देती थी और उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। प्रतिज्ञा फूल बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी और कृतिका को पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजती थी। एक दिन प्रतिज्ञा थक हार कर फूल बेचकर घर लौट रही होती है
तभी उसकी नजर एक सेब के पेड़ पर जाती है। प्रतिज्ञा को बहुत जोर से भूख लगी होती है, इसलिए पेड़ पर लगे लाल लाल सेब देखकर उसे खाने का मन करता है। प्रतिज्ञा बगीचे में जाती है और सेब के पेड़ से सेब तोड़ने की कोशिश करने लगती है। तभी वहां बगीचे का मालिक आ जाता है और गुस्से से प्रतिज्ञा को कहता है, खबरदार लड़की, अगर तूने मेरे बगीचे के सेब को हाथ लगाने की कोशिश की तो चल अभी कभी मेरे बगीचे से बाहर निकल। मुझे बहुत भूख लग रही है साहब, बस एक सेब दे दो। एक एक सेब की कीमत होती है, समझी? मैंने बोला ना, अभी कभी मेरे बगीचे से बाहर निकल, वरना मैं अपनी बीवी को बुला लूंगा और वो तुझे बहुत पीटेगी। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत करना, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर प्रतिज्ञा वहाँ से जाती है। रास्ते में एक बूढ़ी औरत अपने फल की टोकरी लेकर बैठी होती है। प्रतिज्ञा को देखकर बूढ़ी औरत उसे रोकते हुए बोलती है, रुको बेटी, जरा इधर तो आओ। बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर प्रतिज्ञा उसके पास जाती है। बूढ़ी औरत प्रतिज्ञा को कहती है, बेटी जरा इस फलों की टोकरी को मेरे सर पर रखने में मेरी मदद करोगी? प्रतिज्ञा देखती है कि उस बूढ़ी औरत के टोकरी में बहुत सारे फल है। इतने सारे फल देखकर प्रतिज्ञा समझ जाती है कि बूढ़ी औरत के आज ज्यादा फल नहीं बिके हैं। अम्मा जी, मुझे लग रहा है कि आज आपके ज्यादा फल नहीं बिके हैं। हाँ बेटी, कभी कभी दोहरी तकलीफ उठानी पड़ती है। एक तो फल ना बिकने की तकलीफ और दूसरी इतनी भारी टोकरी घर तक ले जाने की तकलीफ। लोग बड़ी बड़ी दुकानों में मोल भाव नहीं करते हैं, लेकिन मेरे सेब को बहुत सस्ते दामों में खरीदना चाहते हैं। कभी कभी तो इतने कम दामों में मांगते हैं कि मेरी लागत भी उससे ज्यादा होती है। अम्मा, मैं आपकी दूसरी तकलीफ यानी टोकरी को घर तक ले जाने की तकलीफ कम कर सकती हूँ। आपकी टोकरी मैं अपने सर पर रखकर आपके घर तक पहुँचा दूंगी। रहने दो बेटी, मेरे लिए तुम इतनी परेशानी क्यों उठा रही हो? ये तो हर दिन की बात है, कभी ज्यादा बोझ रहता है, कभी हल्का बोझ रहता है। कोई बात नहीं, लेकिन आपका आज का बोझ मैं उठाऊंगी। उसके बाद प्रतिज्ञा टोकरी अपने सर पर उठाती है और बूढ़ी अम्मा के साथ उसके घर जाती है। कुछ देर बाद बूढ़ी अम्मा का घर आ जाता है। घर में फलों की टोकरी रखकर प्रतिज्ञा बोलती है, अम्मा आप इस उम्र में फल बेचने का काम क्यों करती हो? बिटिया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए पेट को भरने के लिए कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। आपके घर में कोई नहीं रहता आपके साथ? अभी कुछ साल पहले ही मेरी जवान बेटी की मौत हो गई, तब से मैं इसी तरह अकेली हूँ। अब हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे भी उठा ले। बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर प्रतिज्ञा की आंखें भर आती है। प्रतिज्ञा मन ही मन बूढ़ी अम्मा की मदद करने का फैसला करती है और बोलती है, अम्मा आज से हर रोज मैं आपकी टोकरी उठाकर ले जाऊंगी। इस उम्र में आपका इतना भारी बोझ उठाना सही नहीं है। इतना कहकर प्रतिज्ञा जाने लगती है। तभी बूढ़ी अम्मा उसे रोकती है और बोलती है, रुको बेटी, हम दोनों में इतनी बात हो गई, लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। अम्मा, मेरा नाम प्रतिज्ञा है और इस गांव में मैं अपनी छोटी बहन के साथ रहती हूँ। अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है। उसके बाद बूढ़ी अम्मा अपने फलों की टोकरी से 3 सेब निकालती है और प्रतिज्ञा को देने लगती है। ये लो बेटी, तुम इन 3 सेब को जाकर अपने घर के बाहर मिट्टी के अंदर लगा देना। बूढ़ी अम्मा की बात प्रतिज्ञा को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो उनकी बात मानकर 3 सेब अपने घर के बाहर जाकर लगा देती है। अगले दिन सुबह प्रतिज्ञा देखती है कि उसके घर के बाहर 3 छोटे छोटे सेब के पौधे आ जाते हैं। अरे वाह,
कल ही तो मैंने तीनों सेब यहाँ लगाए थे और इतने जल्दी पौधे भी उग गए। प्रतिज्ञा उन तीनों सेब के पौधे को जितनी बार देखती थी वो पौधा और बड़ा होता जाता था। कुछ ही दिनों में तीनों सेब के पौधे एक बड़े से सेब के पेड़ में बदल जाते हैं। तीनों पेड़ पर बड़े बड़े लाल लाल ढेर सारे सेब लटके हुए थे। तीनों सेब के पेड़ को देखकर प्रतिज्ञा हैरान होकर बोलती है, अरे बूढ़ी अम्मा के दिए हुए सेब से ऐसा कमाल होगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तभी कृतिका वहाँ आती है और प्रतिज्ञा से बोलती है, अरे दीदी आपको फूल बेचने की कोई जरूरत ही नहीं है, अब से आप इन्हीं सेब को बाजार में बेचकर मुनाफा कमाना। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उसके बाद दोनों बहनें सेब के पेड़ों से सेब तोड़ने लगती है। जैसे ही दोनों बहनें सेब तोड़ती थी वहाँ फिर से एक नया सेब आ जाता था। इस तरह सेब खत्म ही नहीं हो रहे थे और सेब से कई बोरे भी भर गए थे। हे भगवान ये कैसा जादू है, आपने तो मुझे सेब का इतना बड़ा भंडार दे दिया है। प्रतिज्ञा के इतना कहते ही तीनों पेड़ में से किसी एक पेड़ से आवाज आती है, बिटिया बूढ़ी अम्मा ने जो तुम्हें सेब दिए थे वो तीनों सेब जादुई थे। क्या ये बात अम्मा को पता थी? नहीं ये बात अम्मा को पता नहीं थी, क्योंकि उनको ये तीनों सेब एक जादूगरनी ने दिया था। अम्मा ने इन तीनों सेब को मामूली समझकर बेचने लगी थी, लेकिन उनकी बिक्री ना होने की वजह से ये सेब नहीं बिक पाए। आज से तुम्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस दिन के बाद से प्रतिज्ञा सेब का व्यापार करने लगती है। सेब को बेचकर प्रतिज्ञा ढेर सारा धन इकट्ठा कर लेती है। एक दिन प्रतिज्ञा वही बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और बोलती है, अम्मा आज से आपको फल बेचने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये क्या बोल रही हो बेटी? अम्मा भगवान की दया से आपकी इस बेटी का सेब का व्यापार दूर दूर तक होता है, इसलिए अब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है और आज से आप मेरे साथ ही रहना। नहीं बेटी मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं अम्मा, आपको दो बेटियाँ मिल जाएंगी और मुझे माँ, इसलिए आप मेरे साथ चलने के लिए मना मत कीजिए। प्रतिज्ञा की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा की आंखें भर आती है और वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद बूढ़ी अम्मा प्रतिज्ञा के साथ उसके घर जाती है और उसे जादुई तीनों सेब के बारे में बताती है। प्रतिज्ञा की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद प्रतिज्ञा कृतिका और बूढ़ी अम्मा एक साथ रहने लगती है। अब प्रतिज्ञा बहुत अमीर हो चुकी थी, उसके पास बड़ा घर गाड़ी और सब कुछ था। प्रतिज्ञा के सेब हर जगह मशहूर हो गए थे, इसलिए वो व्यापारी जिसने प्रतिज्ञा को एक सेब देने से मना किया था उसके सेब का व्यापार होना बंद हो जाता है। ये सब देखकर व्यापारी राजीव को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन ही मन सोचता है, कहाँ इस भिखारी ने एक सेब खाने के लिए मेरे सामने हाथ जोड़े थे और आज इसकी वजह से मेरे सेब कहीं बिक नहीं रहे हैं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इतना सोचकर वो आदमी कुल्हाड़ी लेकर प्रतिज्ञा के तीनों सेब के पेड़ के पास जाता है और उन्हें काटने लगता है। जैसे ही वो पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने वाला होता है तभी पेड़ में से आग के गोले निकलते हैं और राजीव का घर और बगीचा तहस नहस कर देते हैं। ये सब देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। उस दिन के बाद से वो आदमी कभी भी प्रतिज्ञा को तंग नहीं करता और प्रतिज्ञा अपनी बहन और बूढ़ी अम्मा के साथ